मॉर्निंग क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्पिनिंग एंड वीविंग. स्पिनिंग मतलब कटाई, वीविंग मतलब बुनाई. विवन क्लोथ अनअर्थड एट मोहनजोदारो. विवन क्लोथ मतलब बिने हुए कपड़े एक्सकवेशन के दौरान मिले थे मोहनजोदारो में. स्पिंडल्स द स्टैचुएट ऑफ अ शॉल क्लैड मैन एंड द टेराकोटा फिगर्स ऑफ वुमेन वेयरिंग स्कर्ट्स आर एविडेंसेस दैट द पीपल वर स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ स्पिनिंग थ्रेड एंड वीविंग क्लोथ. जो एविडेंसेस क्या मिले कि लोगों को कपड़ा बनाना आता है. एविडेंसेस का सबसे पहला जो प्रूफ था, एविडेंस था, वो एक आदमी जिसने शॉल पहनी हुई थी और एक लेडी जिसने स्कर्ट पहनी हुई थी. इससे ये पता चलता है कि उस टाइम के लोगों को स्पिनिंग आ गई थी और वो लोग कपड़े बनाना उन्होंने बुनने शुरू कर दिए थे. मेटल कास्टिंग क्या है? द इंडस पीपल प्रोड्यूस टूल्स एंड वेपन्स ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज. उस वक्त से दो ही मेटल्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आए थे, कॉपर एंड ब्रॉन्ज. द ब्रॉन्ज स्टैचुएट ऑफ अ डांसिंग गर्ल शोज देयर मास्टरी इन द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग. कैसे पता चला कि ब्रॉन्ज यूज़ हो रहे थे उस वक्त? क्योंकि जो इन्हें जो हिस्टोरियंस को एक्सकवेशन के दौरान या खुदाई के दौरान एक फिगर मिला लड़की का, फिगर इन सेंस दे गॉट अ स्टैचू ऑफ अ गर्ल दैट वॉज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज और वो ब्रॉन्ज की कास्टिंग का बहुत अच्छा आर्ट प्रेडिक्ट कर रहा था. ब्रिक मेकिंग क्या है? ब्रिक मेकिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट. ब्रिक मेकिंग जो है ईंटे बनाने का भी एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट उस वक्त दिखाएगा. मैनी किन्स लार्ज अवंस भट्टियाँ जो होती हैं वो भी पाई गई फॉर बेकिंग ब्रिक्स. द ब्रिक्स वर मेड मोर और लेस ऑफ यूनिफॉर्म साइज फॉलोइंग अ फिक्स स्टैंडर्ड. सारे जो ब्रिक्स थे, जैसे ब्रिक्स हम लोग बनाते हैं, यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए, वैसे ही थे. बट सबका साइज एक जैसा ही था लगभग, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग प्रॉपर स्केल्स. दे वर फॉलोइंग अ फिक्स स्टैंडर्ड, एक ही स्टैंडर्ड की तरह लगभग सेम ही जैसे थे. सील मेकिंग क्या है? सील मेकिंग मोर देन 2000 सील्स हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम द डिफरेंट साइट्स. 2000 से ज़्यादा सील पाए गई हैं साइट से. जब खुदाई हुई तो 2000 से ज़्यादा सील्स पाए गए. दिस शो दैट सील मेकिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट. इससे क्या पता चलता है? जो सील्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट में वहाँ उस टाइम के जोड़ी जाती हैं. जैसे ये देखिए, दिस इज समथिंग लाइक याक, बफेलो, टाइगर, ने ज़ीब्रा, यू कैन सी हम्प, बैक ऑफ सील, एलिफेंट, रेनडियर, rhinoceros. So these animals were made on the seals. So the seals were considered as very important source of information from the past till today. Most seals are square or rectangle tablets. ज़्यादा से ज़्यादा square हैं या rectangle tablet shape में, usually made of steatite, soft soapstone. सोपस्टोन के तरह सॉफ्ट, सोप के तरह सॉफ्ट स्टोन का यूज़ किया जाता है. इसका नाम हमने स्टीस्टाइट रखा है. मोस्ट ऑफ देम हैव शॉर्ट इंस्क्रिप्शन एंड द इंप्रेशन ऑफ बुल, बफेलो, टाइगर, रेनोसोरस और एन एलिफेंट. जानवरों के ज़्यादातर सील्स पे फिगर बने हुए हैं. सम सील्स शो मेल गॉड्स. कुछ सील्स में मेल गॉड की भी फोटोज़ बनी हैं. सम हैव हम्प एट द बैक. कुछ में हम्प बने हैं. सम विच हैज़ अ होल ऑन इट. कुछ में हम बने हैं और वो होल है, उनमें होल भी है. वॉज अ स्ट्रिंग पास थ्रू द होल टू टाई द सील राउंड द नेक. सील्स को गले में भी पहना जाता था, तो जो सील्स है उनमें होल है ताकि लोग उसको एज अ फैशन के तौर पे भी गले में पहन सकते, या तो उसको रिस्ट पे या किसी भी चीज़ के कंटेनर पे बांध सकते थे. हिस्टोरियंस आर नॉट क्लियर अबाउट ये सील्स के ऊपर होल करके उसके ऊपर धागा बांध के कहाँ वो लोग लगा देते, बट दे आर प्रेडिक्टिंग, वो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि या तो वो नेक पे पहनते थे या अपने रिस्ट पे पहनते थे या किसी कंटेनर पे डालते थे, कंटेनर के ऊपर टाई करते थे. इज द इंस्क्रिप्शन जस्ट द ओनर्स नेम, या हो सकता है इंस्क्रिप्शन किसी का नाम हो. वी डू नॉट नो एज नोबडी हैज़ बीन एबल टू डेसिफर द इंडस स्क्रिप्ट. नहीं समझ पाए अभी तक, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना ही नहीं आया कि ये सब चीज़ें लिखी क्या हैं. ठीक है. ज्वेलरी मेक सम टाइम्स सील्स वर यूज टू स्टैम्प द वेट क्ले विद गुड पैकेट्स व सील. कभी कभी जो पैकेजिंग होती थी चीज़ सामानों की, उसके ऊपर सील्स लगाए जाते थे. सील इंप्रेशन दस प्रोड्यूस कॉल्ड सीलिंग. अ सील इंप्रेशन दस प्रोड्यूस इज कॉल अ सीलिंग. किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम सील लगाएंगे और इंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, कोई भी चीज़ उसमें से उभर के आएगी, उसको सीलिंग कहेंगे. ठीक है.
ज्वेलरी मेकिंग क्या है, द ज्वेलर्स ऑफ द इंडस वैली मेड अ वैरायटी ऑर्नामेंट्स सच एज यूजिंग मटीरियल्स कॉपर गोल्ड सिल्वर क्ले प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन। गोल्ड सिल्वर और क्ले का यूज़ करके बहुत सारे ज्वेलरी बनाई, जेवर बनाए। दे ऑल्सो यूज फैंस अ मटीरियल यूज बाय मेकिंग ग्लेजिंग स्पेशली ट्रीटेड क्ले। क्ले को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और जलाते हैं, बेक करते हैं, ग्लेजिंग करते हैं, उसकी तो एक सब्सटेंस मिलता है हमको फायंस। मेन एंड वीमेन वोर ऑर्नामेंट्स सच एज बैंगल्स नेकलेस एंड रिंग्स। सारे आदमी और औरतें जितने भी थी उस वक्त के सब लोग बैंगल्स और नेकलेस और रिंग्स को पहनते थे। गो थ्रू दिस वीडियो एंड बिफोर योर असेसमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी कंप्लीटिंग दिस एंड मेकिंग यू डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।